लेडीज एंड माफ कीजिएगा कि जेंटलमैन शब्द का यहाँ इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप में से कई कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ और मैं राज ठाकरे से नहीं डरता, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूँगा। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सब महाराष्ट्रियन भाई बहन मुझे माफ़ करें और एक बात दूसरी भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आने से पहले मैंने चंदू भाई से पूछ लिया था कि मुझे कितना बोलना है, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भाई अपने घर में जितना बोल सकते हो उतना बोलो। कितने स्मार्ट आदमी है, क्योंकि मैं बोल ही ना पाऊँ। अच्छा, तो मुझे जो काम दिया गया है वो बहुत नेक और पवित्र है, तो इसलिए मैं नितेश बारदान वाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको देखने के लिए मिलने के लिए आपकी आंखें बेताब है, वो मुरब्बी श्री विठ्ठल भाई पटेल को स्टेज पर लेकर आए। नितेश बारदान वाला झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, ये गीत इन्होंने लिखा था। और वैसे भी विठ्ठल भाई पटेल, वैसे भी आप अगर गौर से देखें तो इस पूरे ऑडियंस में मिलने जैसी सिर्फ दो ही शख्सियत है, एक माननीय श्री अशोक दवे और दूसरे सम्माननीय श्री अशोक दवे। ये मिलने जैसी शख्सियत नहीं है, चरण छूने जैसी शख्सियत है। और इनसे आज मेरी पहली मुलाकात लंच पर हुई। ज़रा गौर फरमाइएगा मैं जो कह रहा हूँ। मैंने पूछा विठ्ठल भाई, एक्चुअली आई हैव टेकन फैंसी टू हिज सॉन्ग्स, तो मैंने कहा विठ्ठल भाई आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लिखते हैं। इन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? इन्होंने कहा कि काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकता। दूसरी बात यह है कि मुझे इनकी इंट्रोडक्शन करवानी है, तो ये तो सभी जानते हैं कि बॉबी का जो मुल्क मशहूर गाना था झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं माइके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, ये गाने में तो अच्छा लगता है, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, वाइफ एक बार भी ऐसी धमकी नहीं देती। ये तो हमारी बात है सर, लेकिन इनकी तारीफ में अगर कुछ और बातें करनी है तो फिल्मों के अलावा भी उनके पास कितने खजाने हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये गुजराती है, चरोतरना पटेल, पण वो रहते हैं, उन्होंने पूरी कारकिर्दी और अपना जीवन मध्य प्रदेश के सागर नाम के एक छोटे से शहर में बिताया, मतलब कि उनका जन्म सागर में हुआ है। अपना मधी घना ने खावो जिया में थे आज, पण बीजो पण एक सरस परिचय है कि ये ना सिर्फ एक फिल्मी गीतकार हैं, एक बहुत अच्छे नेक दिल पॉलिटिशियन भी हैं। मध्य प्रदेश की सरकार में इनकी मिनिस्ट्री में एक बहुत ऊंची जगह थी, 4 साल तक ये मिनिस्टर रहे, आठ साल। और इनको बेस्ट पॉलिटिशियन एंड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का
बहुत गौरववंता पुरस्कार मिला उनको। एक दूसरी भी बात इनमें एक खूबी है, एमपी की जो कार रैली हुई थी 68 में, इनमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। ये क्यों मिला था ये आपको किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है कि इसलिए मिला था कि जिस वक्त ये कार रैली में हिस्सा ले रहे थे उस वक्त उनकी वाइफ उनकी बगल में नहीं बैठी थी। और दूसरी बात यह है कि एमपी में उनके दो धंधे चलते हैं और भी, एक बीड़ी, जो लोग बीड़ी पीते हैं, एक बीड़ी बनाने का उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वहाँ के बीड़ी किंग माने जाते हैं, और दूसरा है पेट्रोल का, उनके बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। तो आप जरा सोचिए कि बीड़ी और पेट्रोल, एक का काम एक जलती है और दूसरा जलाता है। ये तो वही मिसाल हो गई कि हर झगड़े के बाद घर में जो वाइफ, अच्छा एक पॉलिटिशियन होने के नाते एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपने शहर सागर में इन्होंने 4 मरघट यानी कि स्मशान घाट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कालिया मेरी इस बात के बाद आनी चाहिए कि हमारे देश के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका योगदान मरघट को हरा भरा रखने में रहता है। क्यों सरस हस्या जो मरघट कोई खाली नहीं रहना चाहिए लेकिन जो भरे भरे रहते हैं।